엎드리기. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाड लो। और आज है राइड का 13 डेज और आज तारीख है 28। टाइम हो गए हैं 11:37। कल रात को हो गया था बहुत ज़्यादा लेट, तो मैं डाटा ट्रांसफ़र करके ही सो गया था। वैसे तो मैं वीडियो एडिट करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया। और अभी चल रहे हैं टायर बदलवाने। आपको पता है 3 दिन से टायर की वाट लगी पड़ी है, तो उसमें अभी हादसा हो जाता हादसों से सीखे। तो अभी टायर बदलवाने जाएंगे। टायर में आपको बताया कितनी बड़ी लाइन बनी हुई है। तो जब तीन दिन से टायर ऐसे ही चल रहा है, वायर दिख रही है उसकी, और शुरू में कम दिख रही थी, अब तो पूरा चक्का लाल, मतलब चक्का स्टील का हो गया है। दिखाऊंगा मैं आपको, एक दो जगह स्किट किया लेकिन बाइक वफादार है, अभी तक धोखा नहीं दिया, यहाँ तक लेके आई है। और अब हम नए शूज डलवाएं। तो चले तो चलने से पहले दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू है ये पूरा, मतलब पूरी, मतलब पूरा तार निकला हुआ एक साइड से। और यो जावे अकेले बॉडी तो दिखा दो, मतलब देखो ये अपनी टाइट लेन है, टाइट लेन जाओ छोरा, बिना आपको ट्रस्ट की बाइक पे। आज तेरा भाई स्मार्ट हुआ था, दाढ़ी वाड़ी सेट करवाई है। मेरा तो दिखते ही ना, मैं तो हेलमेट में। तो यहाँ से जो टायर की शॉप है वो बिल्कुल पास में ही है होटल से, तो यहाँ से दिखा रहा है 4.7 किलोमीटर दूर है टायर शॉप। टायर बिल्कुल गंजा हो चुका है, मतलब लाइनें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। अब मुझे यहाँ के जो रोड है मुझे पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं, किधर से जाना है किधर से नो एंट्री है। तो गूगल आंटी जिंदाबाद, जहाँ से ले जा तेरी मर्जी, हमें पहुँचना है। 12 मिनट दिखा रही है पहुँचने में, टायर शॉप पे पहुँच जाएंगे फिर टायर बदलवाएंगे। बाइक की लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी बिकॉज इसमें छोटा टायर लगा हुआ था। इसका जो साइज़ आता है 160 आता है, इसमें डला हुआ है 150। मजबूरियों में डलवाया था और अभी तक डला हुआ था, और आगे भी 120 आता है और डला हुआ है 110। जूते ओरिजिनल पैरा रखे हैं, जुराब जुरूब सब रेडी है भाई, चश्मा लगा के एक नंबर। मुझे पता नहीं यहाँ पे स्पीड लिमिट कहाँ कहाँ है, तो मैं स्लो ही चल लेता हूँ, आई थिंक बेटर रहेगा मेरे लिए। रोड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, अंदर वाले तो गंदे थे लेकिन ये तो अल्टीमेट है, बहुत साफ है और ग्रीनरी भी अच्छी है। स्लो चलते हैं, देखते भी चलेंगे साइड वाइड में। ये रे मोजो फोजो, ये उतरेगी। क्या बोल रहा है यार, छुड़वा नहीं रहे लोग इतने छोटे बच्चे को। अरे यार छुड़वा ही नहीं रे, मैं छुड़वा नहीं सकता यार। गुड, ये अच्छा करा, ये अच्छा करा। क्या हो गए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार। I'm not going to
समझ नहीं आ रहा यार मुझे तो। क्या हो गया ये? क्या था ये? समझ ही नहीं आया यार मुझे, सॉरी फॉर दैट यार। और मेरे को ना इनकी लैंग्वेज का पता ना कुछ और पता, मैं कैसे बचाता उसको? एक लैंग्वेज होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लैंग्वेज ही अलग है यार, वरना तो एक ही हाथ का कमाल था इनको छुड़ाने के लिए, सिर्फ एक हाथ। आराम से चल मित भाई, तेरी किसी से नहीं जूत बजना चाहिए यहाँ पे, तेरे को ऑल इंडिया राइड कंप्लीट करनी है। सच में यार आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता था यहाँ, आप मेरी जगह होते तो आप समझ सकते हो, लैंग्वेज का डिफरेंस है। भाई पहुंच गए टायर चेंज करवाने, और ये C8 का कोई शॉप वॉप है तो ये भाई चेंज करेगा, तो दोनों ही टायर चेंज करवा रहा हूँ मैं, आगे वाला ठीक है लेकिन फिर भी दोनों चेंज करवा रहा हूँ। पंचर देखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंचर। भाई सोचोगे एक ही सिनेमैटिक शॉट आया, एक दो ही, और टायर बदल गया। मैं भाई की हेल्प कर रहा था टायर बदलने में, तो टायर बदल गया। साईं बाबा शॉप है ये इस भाई की, तो इसी ने बदले हैं। तो अब चलते हैं देखते हैं, मैंने टायर इसलिए नहीं बताया कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं, बिकॉज मैं इसका रिव्यू तो कर लूँ, पहले चला कर देख लूँ, फर्स्ट टाइम डलवा रहा हूँ ये टायर। तो अब चलते हैं, और भाई ने 400 रुपये, चलो रेडी है। चल भाई ठीक है, तेरे लिए गुड लक छोड़ दिया। तो टायर भाई के पास ही छोड़ दिए, मेरा आगे वाला टायर ठीक था बिल्कुल, छोड़ दिया भाई के लिए, माजी ही ले अपनी ज़िंदगी। मतलब आगे वाला टायर बिल्कुल सही था यार, मैं किसको देता यहाँ पे डलवाने के लिए, मतलब एक नंबर का टायर पड़ा था आगे वाला। तो अब चलते हैं वापस, और जाके अभी ब्रेक पैड चेंज करने, ब्रेक पैड ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट, और अब बदलेंगे जाके, खुद डॉक्टरी करेंगे ब्रेक पैड की। यहाँ ले आता तो साथ के साथ बदले जाते, बिकॉज टायर तो खुला था, तो यहाँ के देखा टायर खोल के तो पता लगा डिस्क पैड ऑलमोस्ट जा चुके हैं, काफ़ी चला दी मैंने, स्टैंड लगा हुआ। तो थोड़ी अजीब चलेगी, बिकॉज आगे डला हुआ था 110 और पीछे डला हुआ था 150, तो अब डले हैं इसका प्रॉपर साइज़, बिकॉज जो साइज़ इसका रेकमेंड होता है वो डला है। अब थोड़ी सी चले तो अजीब की, और नया टायर है, स्किट भी कर सकती है इतनी जल्दी, तो
थोड़ा सा केयरफुल चलानी पड़ेगी कुछ देर तक। आते हुए मेरी बाइक यहाँ स्किट कर रही थी, देखता हूँ अब कर रही है। आप नहीं कर रही, मतलब इसका मतलब टायर वो बिल्कुल ख़त्म थे। मेरी बाइक एकदम से ऐसे ऐसे नाच रही थी जब मैं उन टायरों में लेके गया था यहाँ से। तो यहाँ है कि खटपट की आवाज़ें जो आ रही होगी, तो ऐसे ब्रेक पैड बदलने पड़ेंगे। होटल पहुँच गया, तो ये रहे अपने नए ब्रेक पैड, और ये जो पुराने ब्रेक पैड हैं लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। लाइन बनाना शुरू कर दिया, ब्रेक पैड अभी भी पहुँचे लेकिन लाइन बनानी शुरू कर दी, तो अब बदल देंगे। डिस्क को ख़राब नहीं करने का, अब बदलेंगे इनको खोल के ये दोनों, फिर ये बाहर आ जाएगा, इसको बदल देंगे। तो नए ब्रेक पैड लग चुके हैं, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, चलो पुराने देख लो। ये रहे, ये देख लो, हल्के से बच रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, हार्डनेस आ गई है, डिस्क पैड को ख़राब कर, मतलब डिस्क को ख़राब करेगी, इसलिए चेंज कर दिए मैंने। तो भाई नए ब्रेक पैड लगा दिए, ये देखो हाथों का क्या हाल हो गया। खुद का काम करना भाई, खुद के हाथों से तो ऐसा ही होगा। भाई ब्रेक पैड चेंज हो गए यार, आज रेस्ट डे नहीं है, काम डे है। ये भाई साहब अपनी वीडियो एडिट कर रहे हैं, शूटिंग भी करी इसने, वीडियो भी शूट भी करा था, और उस्ताद जी और मैं जा रहे हैं अब खाना खाने, भूख ही लगी है। तो भाई अब देख लो टायर नए दोनों एक जैसे हो गए, गच गुट मारा फटाफट, मैंने सिनेमैटिक सीन लेना है। ये तो मैंने मेरी रख दी है, नहीं मेरे तो ये रही भाई। उस्ताद जी कमाल गए, उन्हें ठीक है, देख रहा हूँ भाई बड़ी अजीब लगा। बाइक में ब्रेक पैड डल चुके हैं, नए टायर डल चुके हैं, चैन लूप हो चुकी है, और कल 700 किलोमीटर का रन है कावासाकी, तो कल 700 किलोमीटर का रन है और चैन लूप बहुत ज़रूरी है। बस मतलब आज का रेस्ट डे रेस्ट डे नहीं रहा, मैंने ब्रेक पैड चेंज किए, टायर चेंज करवाए, और बाइक वॉश मतलब साफ भी किए, बाल्टी से लेके कपड़े से रगड़ दी पूरी, मतलब यहाँ पे वॉशिंग सेंटर का पता नहीं आसपास कहाँ है, तो थोड़ी बहुत गंदी थी साफ करवा के चले थे, तो कर दी साफ। तुम्हारे भाई ने कर ली वीडियो एडिटिंग, ये देखो रेंडर पे लगा दी, इसका मतलब फोर्थ पार्ट कल आ जाएगा, मतलब आप तो देख चुके हो। और ठीक है, मिलते हैं, अब मैं जाके अमित को ज्वाइन करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मजे करता हूँ, बोला इसी में घुसता रह गएगा, माँ यार मैसेज आ रहे हैं वीडियो एडिट करनी है, वो भी सही कह रहा है, घूम ले थोड़ा सा मेरे साथ, तो जा रहा हूँ मैं नीचे भाई के साथ घूमने, तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, लव यू लॉट, लो बाय। तो अब ये सीन है कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जो तो